हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि अब से तो मैं अभी कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। तो अभी कॉलेज जाऊँगी मैं मंडे से, तो आज मैं आऊँगी घर पर और बनाऊँगी बहुत सारे रील्स, तो आप लोग देखना। एंड अभी क्या काम हो रहा है, अभी आई है शगुन यहाँ पर। बस शगुन किस लिए आई है? ये हमेशा ऐसे आती है, बस बोतल लेके आएगी, कहीं ग्लास लेके आएगी, कहीं पानी लेके आएगी, कहीं सब्जी लेके आएगी, जो कि यहाँ पर फैलाती रहती है। इसका यही काम है। और इधर साइड में सो रही है जैकी। जैकी मैं सो के उठी हूँ और आज मैं उठी हूँ बहुत ज़्यादा लेट क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो मतलब कॉलेज नहीं जा रही तो इसलिए मैं उठी नहीं। फिर मैं मॉर्निंग कर रहा था, उसने कहा तो अभी मम्मी लगा रही है उधर झाड़ू। नहीं झाड़ू नहीं, पूछा लगा रही हूँ वहाँ पर चुकी है झाड़ू। तो झड़ बहुत ज्यादा लग चुका है। और सगुन यहाँ पर कोई ना कोई गंदगी फैलाते ही रहेगी। वो अभी कुछ टाइम पहले पेंट हुआ था बट सारी जो पुट्टी है वो पता नहीं क्या सीढ़न से आ गई है, तो पूरी छुट रही है। जहाँ जहाँ टाइल्स लगवाई है उसके ऊपर ही सीढ़न आ गई है, अंदर बिल्कुल नहीं आई है। तो अभी देखते हैं इसका कुछ इंतजाम होगा। मुझे लगा दिया, अब मेरा टाइम है, मेरा नंबर आ गया है मशीन लगाने का, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं जो कि गंदे हो चुके हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि मशीन लगा दूँ। और अभी मैं आज मैं कॉलेज भी नहीं गई हूँ, और क्योंकि आज तो वैसे भी फ्राइडे है, तो देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं थर्सडे की वजह से मशीन लगाई नहीं थी, तो आज मशीन लगा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। तो मुझे 2-3 राउंड वो करने पड़ेंगे, 2-3 बार तक कपड़े आके कहीं साफ हो गए। मशीन लगा ही देती हूँ यार। शिवाय तो इधर देखो, ये आ गया बंदर यहाँ पे, और जब देखो तो बत्ती देता रहता है। क्या करने आया था यहाँ पे? मुझे मत पकड़, पकड़ मत। देखो तो वो उठ के कर लेगा बेटा, चल लेगा तू। ये बच्चा अभी आई थिंक है पूरे 8 महीने का नहीं हुआ है, लेकिन ये चलने का भी ट्राई करता है, बैठ लेता है और वैसे भी चलता है, लेकिन नहीं इसको चैन नहीं है। लड़के आ जा ना, आ जा। अजय शिवाय शिवाय देखो पानी की तरफ जा रहा है फिर से। लड़के शिवाय इधर आ जा। जी अभी तो मारती रहती है इसको। क्या है निकली, ट्राई करेगा अभी, देखना कैसे ट्राई करता है। बहुत सारे एफर्ट लगाएगा इसके बाद, पर ये सही है। तू इसको करा देगी। आ जा शिवाय, उतरो उतर जा। अजा 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 अजा, बहुत टेक्निक पहले अपनाएगा इसके बाद उतरेगा, बहुत सोच समझ के उतरे। ओ भाई तो सेवा को बदतमीज, सॉरी बोल उसको, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल सिवाय को, सॉरी बोल, सॉरी बाबू बोल, जल्दी बोल। शिवाय शिवाय कैसा लगा उधर के? अच्छा लगा। बस उधर से आ जाएगा इधर, बस पूरा दिन खेलता रहेगा, पूरा दिन खेलता रहेगा, यहाँ सुसु सुसु करते रहता है, और 20 बार करेगा सुसु ये, और गंदगी फैला के चला जाएगा। और अपने घर पे रहता है तो नहीं करेगा, तो डायपर पहनेगा। और इधर आके बिना डायपर के आता है सर ये सुसु करने, और देखो अभी भी इसने कर रखी है। मैं गई थी मशीन लगाने, बट अभी तब तक ये इसने आवाज मार दी, इसने आवाज मार दी और सेवा आ रहा था तो गिर रहा था, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे। और क्योंकि भाभी अभी नहा रही है तो मुझे अभी देखना है शिवाय को, इस वजह से वो नहा लें, इसके बाद मैं लगाऊंगी अपनी मशीन। और देखो कैसे बोल रही है इसको, इतनी मतलब बहुत बदतमीजी है, बहुत ज्यादा ओवर आ रही है। तू वही रह, मशीन लगाऊंगी मैं, उसे खेलने दे वहां पे, आएगा ग्लास व्लास सब फिला दू, ठीक है अपने घर से पूरा सामान ले अंदर फिला दे आके, और लेने भी चल ली तू।
तुम वही खेलो बेटा। मशीन तो गाइस मैं बस एक बात और बोलना चाह रही थी, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पर मुझे बस मेरी वीडियोस के बेसिस में मुझे जज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक काम, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही स्टार्ट किया इसके बाद ही तुरंत सक्सेस मिल जाए। और वीडियो बनाना कोई इजी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक बार स्टार्ट कीजिए, इसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ ऐसे किसी के, अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो आप खुद से वीडियो बनाइए, पता चलेगा आपको कितना इसमें एफर्ट लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, ऐसे तुरंत ही वीडियो बना के तुरंत कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं कर देता। तो प्लीज़ आप किसी को ऐसे जज मत कीजिएगा, एंड ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में बैक बिचिंग करना। और अगर बैक बिचिंग करना अच्छा लगता है तो बैक बिचिंग मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो आपके फ्रंट में ही बोलूँगी। तो आपको सुनने के लिए, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं बोलने पाई उस दिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ना ही मैं आपकी तरफ पीठ पीछे बोलूँगी। तो इसलिए प्लीज़ गाइस, प्लीज़ जिसके लिए मैं ये बोल रही हूँ उसको पता होगा, क्योंकि वीडियोज़ तो देखते ही हो, तो इस वजह से बोल रही हूँ। तो ऐसे किसी के बारे में ऐसे बोलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसे कमाते हो यूट्यूब से तो आप पैसे दे दो ये वो, तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिएगा। क्योंकि मैंने आपके भी पेजेस देखे हैं, आपके भी इंस्टा आईडी देखे हैं बहुत। सो अगर ये सोशल मीडिया इतनी बुरी है तो आप इस सोशल मीडिया पर क्यों आए हैं? और आपके भी पेजेस हैं, मैंने देखे हैं, और मुझे ये भी पता है कि फॉलोअर्स कितने हैं। तो प्लीज़ आप मेरे मुँह से ही मत, ये मैं आप चाहूँ तो स्क्रीनशॉट लगा सकती हूँ, बट मैं नहीं ऐसा कर रही। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम ऐसे मत बोलिएगा, अदरवाइज मैं प्रूफ के साथ। मेरा खाने का इधर है आलू बटा के, आलू उधर हूँ, आलू के बटा के आलू इधर है, कटे है, मैंने खा ली रोटी। और पता है क्योंकि सब्जी ना थोड़ी कम बची, तो मैंने ऐसी में खा ली, क्योंकि लास्ट में ही बची थी, तो फिनिश हो गई रोटी। तो गाइस मैंने भी नहा लिया और एक बार मुझे इतना निकल चुका है। अभी वैसे मैंने दूसरे कपड़े डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हुए थे और काफ़ी टाइम बाद हमने मशीन लगाई है इस वजह से। तो अभी बस है कि ड्राउंड को हम पाई मतलब फिल कर रहे हैं, इसके बाद मशीन हम ऑन कर देंगे, बस ये कपड़े धुल जाए, इसके बाद भी नहीं कर रेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ही जा रही है नींद ना आगे। तो बस अभी पानी भर जाए इसमें, इसके बाद मैं देखेंगे फिर। तो मैं जा रही हूँ सोने, मिलते हैं सोने के बाद। तो गाइस सो के मैं अब उठी हूँ, और मतलब मैं उठ गई थी, इसके बाद फिर से आज आया, आज से मेरी लड़ाई हुई, फिर मैं रोई, फिर मैं सो गई, फिर मैं आँख देखो सर में आके आ गई मैं। तो अभी मैंने सो के उठ के मुँह वगैरह मैंने धुल दिया है, तो अभी जाऊँगी मैं पूजा करने शाम की। तो इस वजह से वो पूजा करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी चलते हैं पूजा करके चिराग लगाते हैं, इसके बाद बनाऊँगी चाय, फिर चाय पीऊँगी, इसके बाद माइंड को थोड़ा फ्रेश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ आज, इसमें बहुत ज़्यादा खराब हुई है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं दोबारा सो गई थी। तो अभी उठी हूँ मैं 6:30 बजे। तो गाइस पूछा उछा कर लो, फिर उसका दूसरे आपसे पूछा। एकदम डन हो चुकी है, तो यहाँ पे आ गई है शगुन प्रसाद के लिए। क्यों आई लड़की, किस लिए आई हो? प्रसाद खाना है कुछ ना, कुछ ना ठीक है, तो प्रसाद नहीं मिलेगा तुम। ओके, तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो शगुन हमेशा आ जाती है, और ये आती है अच्छे पूछे प्रसाद के पीछे अच्छे, है ना? तो मैं अभी मैं तुम्हें दूंगी प्रसाद। ओके लो प्रसाद, ले क्या कर रही है? अच्छा दोनों हाथ से लो यार, क्या गिरा रही हो उसको? लो अब खाएगी उसमें, पकड़ दोनों हाथ से जल्दी ले, चल तू मत ले, अब मैं थोड़ा खा लूँ। तो गाइस इधर आ गई है मेरी चाय, चाय पी लूँ बहुत स्टार्ट कर। आ जा छोड़ मैंने कहा था, और यार ये छोटा सा ट्रिक हां देखिए लिए है। उधर शाम का खाना बन गया, मम्मी ने बना दिया दाल, बस उसमें तड़का भी बाकी कर दिया। वैसे सब सुबह करते, बट मैंने शाम को भी किया है, मम्मी ने एक बार सुबह साफ कर दिया था, बट क्योंकि मैं सोच रही थी यहाँ पे अपनी स्टडी टेबल लगा दूँ, और दूसरे रूम में मतलब उसमें लाइट ख़राब हो चुकी है, और तो मैं उसमें पहुँच नहीं पा रही इस वजह से। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी टेबल कहाँ लगाई है कहाँ नहीं। तो अभी यहाँ पे एकदम सफाई हो गई है बहुत अच्छे से, तो मैं आपको दिखाने नहीं चल रही हूँ। तो जो मेरी टेबल है वो कहाँ लगी है, मैंने लगाई है बालकनी में, वो इस वजह से लगा अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैंने अभी अपनी जो टेबल है वो यहाँ लगाई है,
तो वर्क करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि धारी दूसरा बेटा लाया, तो इस वजह से तो अभी मम्मी और पूरी सेट कर रही है सामान, क्योंकि पूरा मैंने ख़राब कर दिया था अंदर का, तो पूरा फिर साफ़ हुआ, इसके बाद झाड़ू पोछा गया दोबारा से मम्मी ने। अभी काम चल ही रहा है, मशीन अभी भी लगी है मेरी, तो बस आवाज से मतलब मैं अब मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगी क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से। और अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो यहाँ पे थोड़ा सुकून मिलेगा और एरिया थोड़ा स्पेस है, तो इसलिए यहाँ मुझे अच्छा लग रहा। मैंने अभी अपनी ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पर रख लिया है इस वजह से, क्योंकि अंदर थी ना, तो अंदर मेरे घर पर चूहे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ गल चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे इस वजह से, और ड्रेसिंग टेबल चूहे को उधर से नीचे से उन्होंने देखो काट भी दिया, तो इस वजह से अभी मैंने अभी यहाँ ये बाहर रख दिया ताकि चूहे जो है कम काट पाए। और अभी दवा लेके आएंगे हम चूहों की, इसके बाद जाएंगे वो। तो बस सेट हो चुका पूरा सामान, गाइस रोटियां भी बनी है। अभी रोटियां जब सेकेंगी जब कोई खाएगा, इस वजह से तो बनी नहीं है। और अजय मनीष ने रोटियां खा ली है जो रखी थी, वो पहले से अजय मनीष ने खा ली, तो मेरे लिए भी बनेंगे ताजी रोटी। और इन लोगों को पता नहीं था, एक्चुअली इन लोगों को पता नहीं था कि ये सुबह की रोटियां है, मतलब दोपहर में बनाई थी मम्मी ना, तो इस वजह से तो दोपहर की रोटियां उन्होंने खा ली गर्म करके, मम्मी ने उन्हें दे दी। अब हम मैं मेरी और अनीस की रोटी बनाएंगे, क्योंकि वो रखी हुई रोटी वो खाता नहीं है, उसे पता चल जाता है कि ये रखी हुई रोटी है, चाहे सुबह की हो चाहे दोपहर की हो, वो खाएगा नहीं, रखी हुई नहीं खाता, वो ताजी रोटी खाएगा इस वजह से। और अजय ने तो खा ली, तो उसे पता नहीं था, गर्म कर दी मम्मी ने, तो वही उसकी खा ली है। अभी मेरी और मम्मी की और अजय की मतलब अनीस की रोटी बनेगी, तो वो खा के फिर हम सोचेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।